स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th चैप्टर 4 द वॉइस ऑफ द रेन। प्रस्तुत है इस लेसन के नोट्स और हिंदी व्याख्या। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पोयम द वॉइस ऑफ द रेन के बारे में टॉप 10 फैक्ट्स और नोट्स तथा इस पोयम का लाइन बाई लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन। नोट्स नंबर 1। इस पोयम के रचनाकार हैं वाल्ट व्हिटमैन, जिन्होंने इस पोयम को फ्री वर्स अर्थात मुक्त छंद में लिखा है। नोट्स नंबर 2। इस पोयम में कुल 11 लाइन हैं, जिसमें पहली 9 लाइन सामान्य हैं तथा लाइन नंबर 10 तथा 11 को कोष्टक अर्थात ब्रैकेट में लिखा गया है। नोट्स नंबर 3। इस पोयम की लाइन नंबर 1 एंड हु आर्ट से प्रारंभ होती है, लाइन नंबर 10 फॉर सॉन्ग से प्रारंभ होती है तथा अंतिम लाइन नंबर 11 रैग्ड से शुरू होकर रिटर्न्स पर समाप्त होती है। नोट्स नंबर 4। इस पोयम में कवि वाल्ट व्हिटमैन ने रेन और अर्थ के संबंधों को बहुत मधुरता से प्रस्तुत किया है। लाइन नंबर 3 में कवि लिखता है, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन, अर्थात वर्षा पृथ्वी की कविता है, पृथ्वी का गीत है। नोट्स नंबर 5। पर्सोनिफिकेशन। इस पोयम में कवि वाल्ट व्हिटमैन ने पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है। इसमें अर्थ और रेन का पर्सोनिफिकेशन किया गया है अर्थात मानवीकरण किया गया है। इस पोयम का टाइटल भी पर्सोनिफिकेशन का उदाहरण है, The Voice of the Rain। Notes number 6। Comparison। इस पोयम में पोएट वाल्ट व्हिटमैन ने अपनी कविताओं की तुलना रेन से तथा स्वयं की तुलना अर्थ से की है। कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट में लाइन नंबर 10 तथा लाइन नंबर 11 में यह तुलना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नोट्स नंबर 7। पोएट्स पॉपुलैरिटी। इस पोयम में कवि वाल्ट व्हिटमैन ने इनडायरेक्ट रूप से अपनी पॉपुलैरिटी पर खुशी जताई है। ब्रैकेट में लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 11 के माध्यम से कवि बता रहा है कि उसकी कविताएं बहुत फेमस हो गई हैं तथा लोग इनको गाना गाकर सुने या ध्यान से सुने या ऐसे ही चलते फिरते सुने, लेकिन वे इन कविताओं से कवि को बहुत प्यार देते हैं। ये कविताएं श्रोताओं के प्यार के साथ कवि के पास वापस लौटती हैं, जिससे कवि का हृदय प्रफुल्लित हो उठता है। नोट्स नंबर 8। यह कविता वाल्ट व्हिटमैन की पुस्तक लीव्स ऑफ ग्रास के चैप्टर 34 में पोयम नंबर 41 है। इसका सबसे पहले 1885 में
स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हुआ था। फिर बाद में इसे लीव्स ऑफ ग्रास में प्रकाशित किया गया। इस पोयम का लाइन बाई लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। लाइन नंबर 1, एंड हु आर दाउ, सेड आई टू दी सॉफ्ट फॉलिंग सॉवर। इन पंक्तियों में कवि धीरे धीरे गिरती वर्षा की बूंदों से पूछता है, हे बारिश, और तुम कौन हो। लाइन नंबर 2, पिच स्ट्रेंज टू टेल गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। आश्चर्यजनक रूप से वर्षा ने स्वयं उत्तर दिया और उस उत्तर को मैं यहां स्वयं अनुवादित कर रहा हूं। विशेष व्याख्या, बारिश ने कवि को अपनी बूंदों की आवाज वाली ध्वनि में उत्तर दिया है, जिसे कवि मनुष्यों की भाषा में इस कविता में लिख रहा है। लाइन नंबर 3, आई एम द पोयम ऑफ अर्थ, सैड द वॉइस ऑफ द रेन। तब वर्षा ने अपनी आवाज में कहा कि वह धरती की कविता है। इन पंक्तियों में वर्षा स्वयं कह रही है कि वह धरती की अभिव्यक्ति है। लाइन नंबर 4, इटर्नल आई राइज इम्पल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। वर्षा कहती है कि हमेशा ही मैं अनछुई रहते हुए धरती से और तल रहित समुद्र से ऊपर उठते रही हूँ। विशेष व्याख्या, वर्षा पानी के रूप में धरती पर और समुद्र में रहती है तथा यह इतने धीरे धीरे बाष्पित होती है कि कोई इसे छू भी नहीं पाता। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, इटर्नल, इटर्नल का अर्थ है हमेशा से। बॉटमलेस, बॉटमलेस का अर्थ है तल रहित। लाइन नंबर 5, अपवर्ड टू हेवन बेन्स वेगली फॉर्म्ड अल्टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम। वर्षा कहती है कि वह भाप के रूप में ऊपर स्वर्ग तक उठते जाती है, जहां अस्पष्ट रूप से सभी बाष्प कण मिलकर बारिश की बूंदें बन जाते हैं, जैसे कि वह अभी दिख रही है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, बेन्स, बेन्स का अर्थ है जहां से। बेगली, बेगली का अर्थ है अस्पष्ट रूप से। अल्टुगेदर, अल्टुगेदर का अर्थ है कुल मिलाकर। लाइन नंबर 6, आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। आई डिसेंड टू लेव द ड्राउट्स एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और नीचे आकर मैं धरती के वातावरण में धूल की परत, छोटे कण और शुष्क धरती को नहला देती हूँ, अर्थात जल कण चारों ओर पवित्रता और स्वच्छता ला देते हैं। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, डिसेंड, डिसेंड का अर्थ है नीचे आना। लेव, लेव का अर्थ है नहला देना। ड्राउट्स, ड्राउट्स का अर्थ है सूखा। अटमीज, अटमीज का अर्थ है छोटे कण। लाइन नंबर 7, एंड ऑल दैट इन देम
without me were seeds only, latent, unborn. And all that in them without me were seeds only, latent, unborn. और धरती पर जब तक मैं नहीं बरसती तब तक बीज अदृश्य एवं अजन्मे रहते हैं, अर्थात वर्षा पृथ्वी पर जल कण गिराकर बीजों को धरती के बाहर लाती है, उन्हें जीवन प्रदान करती है। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। लेटेंट, लेटेंट का अर्थ है अदृश्य। अनबॉर्न, अनबॉर्न का अर्थ है अजन्मे। लाइन नंबर 8। एंड फॉर एवर बाय डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और हमेशा से दिन रात मैं अपने मूल स्थान धरती को नया जीवन प्रदान करते आई हूँ। मीनिंग्स ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ओरिजिन, ओरिजिन का अर्थ है जन्म स्थान। लाइन नंबर 9। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। इस तरह मैं धरती के वातावरण को शुद्ध, स्वच्छ और पवित्र बनाती हूँ और इसकी सुंदरता बढ़ाती हूँ। विशेष व्याख्या, वर्षा होने से पृथ्वी पर धूल कण हट जाते हैं, हवा शुद्ध हो जाती है और कई प्रकार के फूल, फल और पौधे उग आते हैं, जिससे धरती सुंदर दिखने लगती है। लाइन नंबर 10। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वांडरिंग। वर्षा का जल पृथ्वी से भाप बनकर ऊपर चला जाता है और फिर जल बनकर घूमते हुए अपने मूल स्थान धरती पर वापस आकर धरती को पूर्णता प्रदान करता है। उसी तरह मेरे गीत हैं। विशेष व्याख्या, जल पहले भाप बनकर उड़ जाता है किंतु पुनः पृथ्वी पर गिरकर यहाँ नव जीवन प्रदान कर अपना कर्तव्य निभाता है। ठीक उसी तरह मेरे गीत हैं। लाइन नंबर 11। रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स, रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। कोई ध्यान से सुने या चलते फिरते बिना ध्यान दिए सुने, लेकिन लोग मेरे गीतों को सुनकर मुझ पर प्रेम बरसाते हैं, अर्थात वाल्ट व्हिटमन पर प्रेम बरसाते हैं। विशेष व्याख्या, लाइन नंबर 10 एवं लाइन नंबर 11 में कवि अपने गीतों की तुलना वर्षा जल से तथा स्वयं की तुलना पृथ्वी से कर रहा है। जिस प्रकार जल पृथ्वी से भाप बनकर उड़ जाता है, ठीक वैसे ही कवि की कविता प्रकाशित होकर श्रोताओं के पास पहुंचती है। जिस प्रकार जल बाष्प संघनित होकर पृथ्वी पर बरसती है, ठीक उसी प्रकार श्रोताओं एवं पाठकों का प्रेम कवि पर बरसता है और अपनी कविताओं के प्रकाशन के बाद कवि पाठकों का प्यार पाकर प्रसिद्ध हो गया है।
आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।